हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ऑटो साइकिल का डेरिवेशन किया था, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन किया था और हमने ये बात करी थी कि कंप्रेशन रेशियो और एडियाबैटिक इंडेक्स पर ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किस तरह से डिपेंड करती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल का क्या होना चाहिए। ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो का क्या मतलब होता है? ये वो कंप्रेशन रेशियो है जिस कंप्रेशन रेशियो पर वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है और इफिशिएंसी आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो हम एक डेरिवेशन करेंगे जिस डेरिवेशन की हेल्प से हम ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो हमें क्यों चाहिए ऑटो साइकिल में। ओके, देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम। या मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि टीएस डायग्राम कैसे बनता है। टी का मतलब टेम्परेचर होता है, यहां पर टेम्परेचर। एस का क्या मतलब है, एंट्रोपी, एंट्रोपी। ओके, एस का मतलब है एंट्रोपी। प्रोसेस क्या थी, 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस कंप्रेशन में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। S1 किसके बराबर होता है, S2 के। इसके बाद आता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, जो कि इस तरह से बनता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 is adiabatic expansion and 4 to 1 is constant volume heat rejection। ये प्रोसेस है कौन सी साइकिल के लिए हमने ये सब कुछ बनाया है, ऑटो साइकिल के लिए बनाया है। किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए। ओके, ऑटो साइकिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पीवी डायग्राम हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, टीएस डायग्राम भी हम बनाना सीख चुके हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर। T1 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर है, और T3 क्या है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। ओके, T1 मिनिमम टेम्परेचर है और T3 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। आप T1 को चेंज नहीं कर सकते और T3 को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है और आपको मालूम है कि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में टेम्परेचर्स आते हैं, हमने डेरिवेशन किया है जिसमें एफिशिएंसी के फॉर्मूले में टेम्परेचर्स आए थे। तो टेम्परेचर में 4 टेम्परेचर होते हैं टोटल, T1, T2, T3 और T4। ओके, तो कौन से 2 टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम। इसका रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब ये है कि जो गैसेस बाहर डंप की जा रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को आप मिनिमम टेम्परेचर बोल रहे हैं, और मिनिमम टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम अल्टर नहीं कर सकते। अगर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलने के बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता। तो टी को हम चेंज नहीं कर सकते, टी को हम घटा नहीं सकते मिनिमम टेम्परेचर को। मैक्सिमम टेम्परेचर किस तरह से लिमिटेड हो गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर इस तरह से लिमिटेड हो गया है कि अगर हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया है तो उस कंबशन चैम्बर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, मेटलर्जिकल लिमिट वो क्रॉस अगर कर गया तो हमारा पिस्टन क्या हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है। इसलिए मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर ये दोनों ही टेम्परेचर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ओके तो बचे हमारे पास कौन से 2 टेम्परेचर, T2 एंड T4, T2 और T4, ये 2 टेम्परेचर बचे। ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, और वर्क क्या मिले, मैक्सिमम मिले। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि एफिशिएंसी जो होती है ऑटो साइकिल की वो फंक्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंप्रेशन रेशियो और गामा के। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। हमने ये देखा था कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। ओके, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते जाएंगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। गामा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो भी इफिशिएंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी हम कंप्रेशन रेशियो की बात करते हैं। देखिए कंप्रेशन रेशियो अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। अगर हम प्रोसेस 1 to 2 की बात करें, प्रोसेस 1 to 2 क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर मिलेगा एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। मतलब एक कंडीशन 1 अगर हमने मान ली उसमें कंप्रेस किया 1 to 2, सेकेंड कंडीशन में हमने ज्यादा कंप्रेस किया तो 2 चेंज होकर कहां आ जाएगा? 2' पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम हीट को ऐड करेंगे। हीट को ऐड करेंगे मतलब स्पार्क देंगे, जो गैसेस होंगी वो बर्न हो जाएंगी। तो 2 to 3 में क्या होगा? एक्सपांशन होगा। लेकिन हीट एडिशन जो है 2 to 3 या 2' to 3, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 3 वाली जो रेंज है वो फिक्स है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। ओके, मतलब क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर अगर कंबशन चेंबर के अंदर का कंबशन चेंबर के अंदर जो टेम्परेचर है वो अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2000 से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते मेटलर्जिकल लिमिट्स की वजह से। ये आपका एक एग्जांपल है। तो T3 को हम चेंज नहीं कर सकते। हर बार कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर 2 2' पर आ जाएगा, 2" पर आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन T3 फिक्स रहेगा। उससे क्या चीजें बदलती है देखते हैं। अगेन हमने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया और 2' को 2" तक ले गए, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया। अब फिर से हीट ऐड करी, हीट ऐड करेंगे लेकिन इस तरह से हीट को ऐड करना है कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर को क्रॉस नहीं करे। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर को क्रॉस नहीं करे तो ये 3" आ गया। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये कर्व छोटा होता जा रहा है। अगर मैं कंप्रेशन रेशियो इसी तरह से बढ़ाता गया तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे? 2" से 2" आ गए और फिर हीट को ऐड किया तो ये 3" पर आ गए। हम इस डायग्राम से ये देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हीट एडिशन की। कौन सी लाइन है? ये हीट एडिशन की लाइन है। ओके, हीट एडिशन देखिए कर्व अगर छोटा होता जाएगा तो हीट एडिशन भी क्या होता जाएगा? कम होता जा रहा है। ओके, हीट एडिशन कम होता जा रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई है तो आप कितनी हीट ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल, अगर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन आपका टेम्परेचर पहुंच गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका मैक्सिमम टेम्परेचर की जो लिमिट है वो कितनी है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिर्फ इतनी हीट ऐड कर सकते हैं कि वो 1000 तक वो टेम्परेचर क्या कर सके? बढ़ सके। उससे ज्यादा आप हीट ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने और कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया और आपका एंड ऑफ द कंप्रेशन टेम्परेचर 1500 पहुंच गया तो फिर आपके पास जो टॉलरेंस या जो रेंज बची वो सिर्फ 500 बची, क्योंकि 2000 उसकी लास्ट लिमिट है। तो आप हीट इतनी ऐड करेंगे कि सिर्फ 500 ही आपका टेम्परेचर बढ़ पाए। ओके, तो एंड ऑफ द कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हीट एडिशन जो हम कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है। ओके, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी लेकिन जब आप हीट ऐड ही नहीं करोगे तो वर्क डन कैसे मिलेगा आपको? ओके, वर्क डन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वर्क डन मिलेगा ही नहीं। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपके पास इफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम तो होगी लेकिन वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। ओके, वर्क डन 0 क्यों हो जाएगा? कंप्रेस कर दिया हमने, कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर 2000 पहुंच गया। अब आप हीट ऐड ही नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप हीट ऐड करेंगे तो वो मेटलर्जिकल लिमिट को क्रॉस कर देगा। ओके, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि इफिशिएंसी तो मैक्सिमम हो गई लेकिन आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। ओके, इस कंडीशन को ही अवॉइड करने के लिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो। इसका मतलब ये है कि T2 और T4 का टेम्परेचर कितना होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम वर्क एंड टू गेट द मैक्सिमम इफिशिएंसी। ओके, तो देखिए हम बात करते हैं वर्क डन का। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? W net = हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, ये फॉर्मूला होता है। ओके, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हीट सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाती है। हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है और फॉर्मूला क्या होता है? MCV। हीट सप्लाई कौन सी प्रोसेस में हो रही है? 2 to 3, तो यहां पर आ जाएगा फॉर्मूला T3 - T2। ये हीट सप्लाई है। हीट रिजेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला क्या है? CV T4 माइनस T1, ये हीट रिजेक्टेड है। हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड आप माइनस कर देंगे तो आपको वर्क नेट मिल जाएगा। W नेट इज इक्वल्स टू CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। ओके, ये टेम्परेचर आपको मिल गया। फिर देखिए CV हम यहां पर कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1, ये फॉर्मूला है। ओके, ये W नेट है, मतलब नेट वर्क आउटपुट है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम वर्क को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ओके, मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसमें आप ये देखिए कि T3 और T1 क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि T1 और T3 क्या है? मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, जिसकी वैल्यूज फिक्स हैं। आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को आप ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर T3 और T1 जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। ओके, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल टेम्परेचर कौन कौन से बचे हमारे पास? वेरिएबल टेम्परेचर बचे T2 और T4। ओके, तो T2 और T4 को हम चेंज करते हैं और कंप्रेशन रेशियो की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस जो हमारी आ रही है, प्रोसेस 1 to 2 कैसी प्रोसेस है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हमें एक फॉर्मूला पता है कि प्रोसेस 1 to 2, इस प्रोसेस में ये कौन सी प्रोसेस है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर्मूला क्या होता है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम और गामा का मतलब क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स। ओके, तो प्रोसेस 1 to 2 में हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम्स के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। T1 V1 to the power gamma minus 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ओके, इस फॉर्मूले से हम करेंगे क्या कि T2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे? T2 की वैल्यू को हम गामा की कंप्रेशन रेशियो की टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए T2 इज इक्वल्स टू V1 by V2 to the power गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2। ओके, तो T2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? T1 इंटू कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1, ये T2 की वैल्यू आ रही है। तो T2 की वैल्यू आ गई T1 के फॉर्म में, T1 इंटू RC की पावर गामा माइनस 1। ओके, गामा माइनस 1 आ गई। अब देखिए जिस तरह से हमने T2 की वैल्यू T1 के फॉर्मेट में निकाली, उसी तरह से हम T4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, प्रोसेस 3 to 4 देखिए यहां हम करते हैं इसको प्रोसेस 3 to 4। अगेन ये कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक एक्सपांशन है। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, फॉर्मूला क्या लगेगा? T3 V3 to the power gamma minus 1 इज इक्वल्स टू T4 V4 to the power gamma minus 1। ओके, हमें ये मालूम है कि V3 जो है, जो 0.3 का जो हमारा वॉल्यूम है, वो किसके बराबर है? 0.3 और 1 और 2 का जो वॉल्यूम है वो सेम है। ओके, और देखिए ये चीज हमें कैसे समझ में आएगी? हम अगर PV डायग्राम बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, PV डायग्राम देखिए कैसे बना था। ये हमारा 1 to 2 जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन है, 2 to 3 ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है और 3 to 4 एक्सपांशन है और ये हीट रिजेक्शन है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि V2 और V3 आपस में बराबर है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और V4 और V1 भी आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जो डायग्राम बना, ये जो डायग्राम बनाया हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाया है। तो यहाँ पर V3 को हम क्या लिख सकते हैं? V2 लिख सकते हैं। और V4 को हम क्या लिख सकते हैं? V1 लिख सकते हैं। तो T3 इंटू V3 की वैल्यू है V2 की पावर गामा माइनस 1, T4 इंटू V4 की वैल्यू क्या है? V1 to the power gamma minus 1। हमें ये मालूम है कि V1 by V2 जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो होता है। ओके, तो T3 is equals to T4 V1 by V2 टू द पावर गामा माइनस वन। ओके, v1 by v2 क्या है? v1 by v2 कंप्रेशन रेशियो है, तो t3 इज इक्वल्स टू t4 कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस वन। ओके, हमने किया क्या, t2 को t1 के फॉर्मेट में और t4 को t3 के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है वो इन दो लिमिट्स के बीच में, इन दो लिमिट्स के फॉर्मेट में आ जाए। ओके, तो t4 की वैल्यू को हम t3 की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो t4 इज इक्वल्स टू t3 डिवाइडेड बाय कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस वन। ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास t4 का। अब t4 और t2 की वैल्यू को इस w नेट के फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो w नेट इज द नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू cv t3 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है, t2 की वैल्यू है T1 RC की पावर गामा माइनस वन। ओके, माइनस T4 की वैल्यू कितनी है, T3 अपॉन RC की वैल्यू गामा माइनस RC की पावर गामा माइनस वन। ओके, नेक्स्ट प्लस T1, ये हमारे पास OW नेट आ गया। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू CV T3 माइनस T1 RC की पावर गामा माइनस वन माइनस T3 RC की पावर माइनस गामा माइनस वन प्लस T1। ओके, ये W नेट का फॉर्मूला है। W नेट मतलब नेट वर्क डन, और ये किस फॉर्मेट में आया है, ये फॉर्मेट में आया है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के फॉर्मेट में आया है। अब हमें W नेट की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, W नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलेट करना है, तो हमें करना क्या होता है, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके इसको इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं और उससे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और पॉइंट्स को वापस फंक्शन में रखते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा कहलाता है और पॉजिटिव आती है तो मिनिमा कहलाता है। इसी तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ओके, क्योंकि वेरिएबल हमारा कंप्रेशन रेशियो हमने बना के रखा है, तो हम कंप्रेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T3, उस ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि मैक्सिमम वर्क डन कितना है, ओके, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है। हम आगे चलते हैं, हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, जिससे कि वर्क हमारा मैक्सिमम मिलेगा और एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम मिलेगी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, गामा माइनस वन को z कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने गामा माइनस वन को z कंसीडर किया है। ओके, w नेट इज इक्वल्स टू cv t3 माइनस t1 rc की पावर गामा माइनस वन, तो RC की पावर क्या आ जाएगा, ये Z, क्लियर, क्योंकि गामा माइनस वन को हमने Z मान लिया है, माइनस T3 RC की पावर माइनस Z प्लस T1। ओके, ये इक्वेशन है। अब हम क्या करें, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम RC के हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट और इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, इसको जीरो। ये इक्वेशन कहां से आई, मैथमेटिक्स में हमने सीख के रखा है कि किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो हम करते क्या है, हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इज इक्वल्स टू जीरो रख देते हैं और पॉइंट्स निकालते हैं जिन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। उसके बाद फिर हम ये चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा है कि नहीं, तो उन पॉइंट्स को फंक्शन के अंदर रखकर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो मैक्सिमा मिनिमा है, और अगर निगेटिव आ जाती है तो मैक्सिमा है, ठीक है, रिवर्स होता है। तो सिमिलर हम मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट आरसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट होगा, सीवी तो बाहर ही रहेगा। अगर आप आरसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टी3 एक कॉन्स्टेंट है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। माइनस T1 बाहर आ जाएगा, RC का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो RC टू दी पावर Z आगे आ जाएगा तो Z और Z माइनस 1। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, x टू दी पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1 dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो n आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है, यहाँ पर z आगे आ गया और z की पावर में एक कम हो गया। माइनस, अब माइनस z आगे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस z t3 RC की पावर माइनस जेड माइनस 1। क्लियर? माइनस जेड माइनस 1। T1 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद T1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। T1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसको हमने इज इक्वल टू क्या रख दिया, जीरो। डिफरेंशिएट करके इसको इज इक्वल टू जीरो रख दिया। हम वो पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जिस पॉइंट पर वर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सॉल्व करते हैं, माइनस जेड टी वन आर सी की पावर जेड माइनस 1 प्लस जेड टी 3 आर सी की पावर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। नेगेटिव वैल्यू उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। जेड टी 3 आर सी माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस जेड टी 1 आर सी की पावर माइनस माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस अगर उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस जेड टी वन आर सी की पावर जेड माइनस 1। जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। टी 3 बाय टी 1 इज इक्वल टू आर सी को एक साइड लेकर आ रहा है, आर सी की पावर जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर सी की पावर माइनस जेड माइनस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, आर सी को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं। टी 3 डिवाइडेड बाई टी 1 इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस 1 आर सी। अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर में जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए आर सी माइनस यह आ जाएगा जेड प्लस 1। ओके, माइनस जेड माइनस 1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस जेड प्लस 1 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती। तो T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू आर सी की पावर Z माइनस 1 प्लस Z प्लस Z प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू आर सी टू द पावर 2Z। ये आया फॉर्मूला। फाइनली निकलने के बाद Z की वैल्यू हमने क्या मानी थी, गामा माइनस 1, तो आर सी इज इक्वल्स टू टी 3 बाय टी 1 इसकी पावर में क्या लगा है, 2z लगा है। तो 2z को हटाने के लिए दोनों तरफ 1 बाई 2z ले लेंगे तो हट जाएगा, तो 1 बाई 2z। क्लियर? आर सी इज द कंप्रेशन रेशियो, आर सी इज इक्वल्स टू टी 3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड टी 1 इज द मिनिमम टेम्परेचर। टी 1 इज द मिनिमम टेम्परेचर, उसकी पावर में क्या चल रहा है, 1/2 इंटू गामा माइनस 1। ये वो कंप्रेशन रेशियो है जिस कंप्रेशन रेशियो पर हमारा वर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। वर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। और एफिशिएंसी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एफिशिएंसी भी आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। आरसी की वैल्यू आ गई है। अब आरसी की वैल्यू निकालने के बाद ये पॉइंट हम क्या करेंगे, वर्क में पुट करके हम मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और इफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम मैक्सिमम इफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। T2 और T4 की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं इसके। अगर हम मैक्सिमम इफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम इफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। ये हमारा इफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो क्या निकाला है हमने? कंप्रेशन रेशियो निकाला है Tmax by Tmin to the power 1/2 into गामा माइनस 1। ओके, ये वैल्यू हम एज इट इज यहाँ पर पुट करके मैक्सिमम इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन आरसी। आरसी कितना है? Tmax by Tmin, Tmax by Tmin to the power 1/2 into गामा माइनस 1। पावर में क्या है? पावर में है गामा माइनस 1। गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1 माइनस Tmin ऊपर चला जाएगा, तो Tmin डिवाइडेड बाई Tmax। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। ओके, अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास, ये आपको क्या देगा? मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा। क्या देगा? मैक्सिमम इफिशिएंसी। ओके, इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? आरसी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है Tmax by Tmin into the power 1/2 into गामा माइनस 1, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे और इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन किस पर? ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो पर मैक्सिमम वर्क डन। ओके, देखिए अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वर्क डन। ओके, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला हमने फर्स्ट स्टेप में लिखा था CV T3 - T2 - T4 - T1। ओके, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो T2 और T4 की वैल्यू को पुट करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। T4 और T2 की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। देखिए, प्रोसेस 1 टू 2, वो प्रोसेस कौन सी थी? प्रोसेस 1 to 2 हमने ये देखा कि एडियाबैटिक कंप्रेशन थी। एडियाबैटिक कंप्रेशन में फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? T1V1 की पावर गामा माइनस 1, T2V2 की पावर गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला था। ओके, हमें T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो T2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा? T1V1/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। V1/V2 क्या है? V1/V2 है कंप्रेशन रेशियो। ओके, कंप्रेशन रेशियो T2 इज इक्वल्स टू T1। V1/V2 जो है वो कंप्रेशन रेशियो है RC, और RC की वैल्यू क्या है? Tmax by Tmin, Tmax by Tmin। ओके, ये हमने कैसे रख दिया? हमें ये मालूम है कि V1/V2 to the power V1/V2 is the compression ratio। V1/V2 क्या है? compression ratio। Tmax by Tmin रख देते हैं, और इसकी पावर में क्या चल रहा है? 1/2 into गामा माइनस 1, और इसकी पावर में क्या है? गामा माइनस 1। ओके, तो ये गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 Tmax by Tmin। ओके, और 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है अंडर रूट। ओके, हमारी इक्वेशन में हमारी फॉर्मूले में या हमने जो पीवी और टीएस डायग्राम बनाया था उसमें Tmin कौन सा टेम्परेचर था? Tmin था T1, और Tmax कौन सा टेम्परेचर था? T मैक्सिमम टेम्परेचर था हमारा T3। वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो T2 इज इक्वल्स टू T1। Tmax कितना है? अंडर रूट T3, और Tmin कितना है? अंडर रूट T1। ओके, अंडर रूट T1। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो T2 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? ओके, T2 की वैल्यू ये 1/2 चल रहा है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T1 अंडर रूट ऑफ T3। ओके, अंडर रूट ऑफ T1 अंडर रूट ऑफ T3। तो T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ T1 into T3, ओके, T1 into T3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? T2 की वैल्यू आई है। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? T4 की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। T4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम आगे चलते हैं। T2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। उसी तरह से T4 की वैल्यू को भी T1 और T3 के फॉर्मेट में कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। देखिए, T4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो T4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोसेस लेते हैं। प्रोसेस 324 क्या था? एडियाबैटिक एक्सपांशन। T3 V3 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T4 V4 टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, T3 V3 की वैल्यू क्या आ गई? V3 की वैल्यू है, हमें ये मालूम है कि V3 किसके बराबर है? V3 V2 के बराबर है। ओके, V2 की पावर गामा माइनस 1। T4 V4 किसके बराबर है? V1 के बराबर है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। T3 इज इक्वल्स टू T4 V1 बाय V2 टू द पावर गामा माइनस 1। क्लियर? तो T3 इज इक्वल्स टू T4 V1 by V2 to the power gamma minus 1। V1 by V2 is the compression ratio। Compression ratio optimum कितना निकाला है हमने? Tmax by Tmin, ये कैलकुलेट किया हमने। और इसकी पावर में क्या चल रहा है? 1/2 into गामा माइनस 1। क्लियर? और इसकी पावर में क्या चल रहा है? गामा माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें मालूम है कि Tmax क्या है। Tmax जो है वो है T3 और Tmin क्या है? T1। और इसकी पावर में क्या चल रहा है? 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। T3 इज इक्वल्स टू T4 इंटू अंडर रूट ऑफ T3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ T1। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो T3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट T3 दो बार लिख सकते हैं इसको। अंडर रूट ऑफ T3 इज इक्वल्स टू T4 अंडर रूट ऑफ T3 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1। T3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो T4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ T1 और T3 सेम वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? सेम वैल्यू। ओके, सेम वैल्यू आ रही। T2 की वैल्यू भी अंडर रूट T1 T3 आ रही थी। T4 की वैल्यू भी अंडर रूट T1 T3 आ रही थी। इन दोनों की वैल्यूज को हम क्या करेंगे? वर्क के फॉर्मूले में पुट करेंगे और इससे किसकी वैल्यू निकालेंगे? मैक्सिमम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, T2 और T4 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ T1 और T3 हमने कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यूज हम वर्क की इक्वेशन में पुट करते हैं। W net इज इक्वल्स टू CV T3 माइनस T2 माइनस T4 प्लस T1। इसको हम सॉल्व करते हैं। CV T3 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ T1 T3 माइनस T4 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ T1 T3 प्लस T1। इसको हम सॉल्व करते हैं। CV ब्रैकेट T3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट T1 T3 प्लस T1। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये a माइनस b होल स्क्वायर का इक्वेशन बन गया है। देखिए कैसे। CV T3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ T3 का स्क्वायर a स्क्वायर। T1 को हम लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट ऑफ T1 का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, माइनस 2 इंटू a इंटू b। ओके, ये एक फॉर्मूला हमने रेडी कर लिया। फॉर्मूला क्या है? a माइनस b का होल स्क्वायर। वर्क नेट या मैक्सिमम वर्क डन फॉर्मूला आ रहा है CV ब्रैकेट a माइनस b। a क्या है? T3। b क्या है? अंडर रूट ऑफ T1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज क्या बता रही है हमें? ये है मैक्सिमम वर्क डन। क्या है ये? मैक्सिमम वर्क डन। ओके, मैक्सिमम वर्क डन। अब देखिए हमने दो तीन पॉइंट्स हमने यहां पर सीखे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि T2 और T4 आपस में बराबर होंगे टू गेट दी मैक्सिमम वर्क, टू गेट दी मैक्सिमम इफिशिएंसी, और वैल्यूज कितनी होगी उसकी? T1 और T3 के मल्टीप्लीकेशन के स्क्वायर रूट के बराबर। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 माइनस अंडर रूट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला होता है CV अंडर रूट ऑफ T3 माइनस अंडर रूट ऑफ T1 का स्क्वायर। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखे। किसके लिए ये सारी पॉइंट्स किसके लिए चल रहे हैं? ऑटो साइकिल। किसके लिए चल रहे हैं ये? ऑटो साइकिल के लिए चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जितना कुछ भी हमने पढ़ा है, डेरिवेशन किए हैं और फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इफिशिएंसी की वैल्यूज किस रेंज में आती है, वर्क डन किस रेंज में आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।